नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं विभू कुमार झा। देखिए, अभी हम आरजेडी के जो पार्टी कार्यालय है उसके ठीक सामने खड़े हैं। आज करीब एक घंटे पहले कुछ पुलिसकर्मी यहां पर आए और उसके बाद जो पोस्टर आप देख रहे हैं, यही पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर को आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये फट चुका है और इस पोस्टर को आप तस्वीरों के माध्यम देखिएगा कि किस तरीके से पुलिस फाड़ रही है। वो अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जो हमारे पास वीडियो है, कि पुलिस का काम अब किसी भी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने जो पोस्टर हो या बैनर हो उसको अब फाड़ने का काम रह गया है। क्या नगर निगम सोई हुई है, या फिर नगर निगम यदि सोई हुई है तो पुलिस का काम रह गया है कि जहाँ भी पोस्टर या बैनर पुराना है उसको फाड़ते चले? क्योंकि पुलिस का काम आप जानते हैं, बखूबी समझते होंगे कि पुलिस का काम क्या होता है। लेकिन अब इस बिहार की जो हालात है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पुलिस और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सारा प्रशासन उनके अंदर में है। वो उनकी जो बातें हैं वो उसी के द्वारा, उन्हीं के दिशा निर्देश के तहत प्रशासन की जो महकमा है वो काम करती है। लेकिन क्या ये उचित है कि किसी भी पार्टी ऑफिस के सामने पुलिस का जो कांस्टेबल है वो जाएंगे और डंडा लेकर के अपने लाठी से जो पोस्टर है फाड़ने का काम करेंगे, चाहे वो एक तरफ, दूसरी तरफ पीछे में भी तस्वीर है जो आज पुलिसकर्मी ने यहाँ पे फाड़ा है। उसके बाद जब हम पुलिस से, जो भी कांस्टेबल थे, जो सिपाही थे, उनसे जब बात किए कि आज फाड़ने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब मजिस्ट्रेट से बात किए तो उन्होंने रीज़न नहीं बताया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर रीज़न बताने का रीज़न क्यों नहीं है, और दूसरी बात, यदि फाड़ते हैं तो आखिर क्यों फाड़ते हैं? तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, यही बिहार में पुलिस तंत्र रह गया है और बिहार पुलिस का काम अब पोस्टर फाड़ने का रह गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।